अजमेर जिले में कोरोना के 6 पॉजिटिव मामले आए सामने। शनिवार को अजमेर जिले में कोरोना के 6 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं कोविड 19 जेएलएन अस्पताल की रिपोर्ट में 8 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसमें 2 पॉजिटिव मामले नागौर के हैं। मामले की जानकारी देते हुए जेएलएन अस्पताल के कोविड 19 प्रभारी डॉक्टर संजीव माहेश्वरी ने बताया कि आज अजमेर जिले में 6 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसमें 1 पॉजिटिव जेएलएन अस्पताल के नर्सिंग कर्मचारी है, वहीं 2 पॉजिटिव अजमेर के डिग्गी बाजार से आए हैं। वहीं माकड़वली, विकासपुरी, ब्यावर से भी 1-1 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि 2 पॉजिटिव नागौर जिले के सामने आए हैं। वहीं आज 1 पॉजिटिव की फरार होने का मामला भी सामने आया था, जहां मामले की जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव माहेश्वरी ने बताया कि पेशेंट जिनका एक्सीडेंट हो गया था और अस्पताल आए थे, जहां उनका ऑपरेशन करने को कहा गया था, जहां ऑपरेशन से पहले उनकी कोरोना जांच की गई थी, लेकिन वह मरीज बिना बताए अपने घर वापस लौट गए, जहां उस मरीज की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसकी शिकायत उन्होंने संबंधित पुलिस थाने में दी, लेकिन बाद में उस मरीज को पता चल गया था, जहां वह आगरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, जहां मरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट की सूचना उस अस्पताल को दे दी गई है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। वहीं आज अजमेर जिले में आए पॉजिटिव मरीजों के इलाज के लिए तमाम व्यवस्था कर ली गई है, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। सर, आज कितने मामले सामने आए हैं और एक व्यक्ति जो है कोरोना से था और वो फरार भी, ऐसा कुछ फरार? खैर, ऐसा है, आज हमारे पास में जेएलएन मेडिकल कॉलेज में कुल मिला के 6 मामले पॉजिटिव आए हैं कोरोना के, और 6 व्यक्ति जो हैं, 2 तो बहनें हैं डिग्गी बाज़ार की और 1 रियाबड़ी के व्यक्ति हैं, जो कि हमारे यहाँ ऑपरेशन कराने के लिए आए थे, लेकिन जैसे सरकार का प्रोटोकॉल है कि ऑपरेशन करने से पहले उनके कोरोना टेस्ट होना चाहिए, उसमें वो कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि कोरोना के उनमें ऐसा कोई लक्षण नहीं है। इसके अलावा एक हमारी जो हेल्थ वर्कर है, हमारी नर्स हैं, वो पॉजिटिव आई हैं, लेकिन उनकी जो नर्स की जब हिस्ट्री ली तो हमें पता लगा कि उनका मकान मालिक भी पॉजिटिव है ऑलरेडी। वो मकान मालिक शायद पोस्टमैन है, जितनी मेरी जानकारी है, इसलिए ऐसा लगता है कि वो शायद अस्पताल से पॉजिटिव नहीं है, मकान मालिक के संपर्क में रही होंगी किसी भी तरीके से, तो शायद उनकी वजह से पॉजिटिव है। तो एक वरना हमें, जैसे हमारा हेल्थ वर्कर अगर पॉजिटिव आता है तो हमको लगता है अस्पताल से उनको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, तो शायद ये अस्पताल का इन्फेक्शन नहीं है। फिर भी अभी पूरी जाँच होनी बाकी है उनकी। और इसके अलावा जो एक पेशेंट हैं वो विकासपुरी के हैं, वो भी शायद वो पुराने ही एक बैंक कर्मी हैं, उनके जो लोग और भी पॉजिटिव हैं, तो दे भी कॉन्ट्रैक्ट पर्सन है। तो इस तरीके से सब मरीजों की ट्रेसिंग हमारे पास में अवेलेबल है। अभी तक के जो मरीज भर्ती हैं हमारे पास में, 18 पेशेंट पॉजिटिव वार्ड में भर्ती हैं, 18 में से 4 पेशेंट हमारे ऑक्सीजन पर हैं, 2 पेशेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीजन पर हैं, 2 पेशेंट कंटिन्यूस ऑक्सीजन पर हैं, वेंटिलेटर पर कोई पेशेंट नहीं है। सस्पेक्ट वार्ड के जितने मरीज भर्ती हैं उनमें से भी कोई ऐसा सीरियस नहीं है अभी तक। यूजुअली जो मैक्सिमम पेशेंट सस्पेक्ट वार्ड के हैं वो हैं जो कि जिनको के ऑपरेशन के लिए होना ड्यू है। जहाँ तक आपने फरार वाली बात करी, ऐसा नहीं है, वही एक पेशेंट हमारे पास में एक्सीडेंट करके आया था। एक्सीडेंट करने के लिए उसको डॉक्टर ने सोचा कि इनका ऑपरेशन करना चाहिए, तो वही पुरानी बात कि ऑपरेशन से पहले सैंपल लेना है, तो सैंपल लिया। जब तक सैंपल की रिपोर्ट आती है, उनको उसने व्यक्ति ने कहा कि चूंकि मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैनपुरी के आसपास कहीं के रहने वाले थे सज्जन, तो उन्होंने कहा मैं वहीं अपने घर के पास में जाकर ऑपरेशन कराऊँगा। हमने उन्हें मना किया कि भाई मान जाओ, आपके ऑपरेशन की भी आपकी रिपोर्ट आनी ड्यू है, उसके बाद आप जाइएगा, लेकिन वो हमारी सूचना के बगैर ही, हमारी जानकारी के बगैर चले गए। और जब उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हमने निकटवर्ती थाने को भी सूचना कर दी, लेकिन हमारा उनसे संपर्क हो गया है और वो इस वक्त आगरा मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। आगरा मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर इंचार्ज हैं उनको हमने सूचना दे दी है कि ये मरीज पॉजिटिव है, कृपया इनका ध्यान रखें। हमने इनकी रिपोर्ट वहाँ भेज दी है और उनका उसी तरीके से वहाँ इलाज हो रहा है।